क्या होती उतरन। मारी बेटी ने हत्या। सिर्फ छोटी सी चोट थी कलाई पर, और माता जी ने, बीबी जी ने, नहीं, पापा, पापा, हमने कुछ नहीं किया, झूठ बोल रही है, हम ऐसा कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं पापा, हम परमेश्वर। हमारी सिर्फ बेटी है, सिर्फ बेटी है। कह दीजिए इस लड़की से हमें पापा मत कहे। ये हक पहले से ही गवा चुकी, अब ये हमारी कुछ नहीं लगती। इसने हमारा सर शर्म से इतना नीचे झुका दिया, इतना नीचे, किसी का प्यार किसी के जज्बात नहीं समझ पाई। हमारे प्यार की कीमत नहीं समझ पाई। औलाद कभी ना कभी माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं, लेकिन दामिनी ने तो इस लड़की को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया। उस निस्वार्थ प्यार का अपमान किया इस लड़की ने, ये कैसे भूल सकती है। अगर दामिनी नहीं होती नहीं, अभी और नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं आपके पापा पर। नहीं दिव्या, आज अगर हम कमजोर पड़ गए तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुना नहीं आपने वीर क्या कहकर गए हैं? ये लड़की जिसे आप बार बार ये लड़की कह रहे हो, आपकी अपनी बेटी है पापा। आज आपको इतनी नफरत हो रही है हमसे, क्यों पापा? क्यों? सिर्फ इसकी वजह से ना, इच्छा की वजह से। हमने उसे अपनी बेटी माना है। क्यों माना है उसे आपने अपनी बेटी? आपकी
की बेटी हम हैं। पापा, तो आपसे दोस्त मांगा था। सिर्फ एक दोस्त। आपने ही हमारी दोस्त को अपनी बेटी बना लिया। धीरे धीरे ये भूल गए कि आपकी अपनी भी कोई बेटी है। क्यों पापा? और किसी को आरोप लगाना है हम पर? पापा, 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 पापा
को मना लीजिए ना, पापा से कहिए ना हमसे बात करें, प्लीज पापा को बोल। तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से। लेकिन हम वीर को नहीं छीनने देंगे, वीर सिर्फ हमारे हमारे। सुना तुमने? बस बेबी जी, अब और नहीं। कलाई काट कर आत्महत्या करने का झूठा ड्रामा किया था इसने। इसने इस हथियार का इस्तेमाल किया बच्चा को बेबस करने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपनी छोटी बहन की खुशियां छीनने के लिए, और इच्छा से उसका वीर छीनने के लिए। हमारा दुख बांटने आई है, हमारे आंसू पोंछने आई है। देखिए पतरा गई हैं आंखें, आंसू भी शर्मिंदा है। हमें तो सजा मिलनी चाहिए, मौत से भी बदतर सजा। जब हमसे वो गुनाह हुआ था, जब हमने दामनी से उसका पति और इच्छा से उसका पिता छीना था, तब हमने अपने आप को बचा लिया था अपनी बच्ची के लिए, आपके लिए। और जिस बच्ची के लिए हम खुदगर्ज हो गए थे, उसी बच्ची की खुदगर्जी ने हमारे मुंह पर यह तमाचा मारा। क्या मिला हमें?
आप शांत हो जाइए, एक दुर्घटना थी। हाँ, इसका प्रायश्चित करने की हमने पूरी कोशिश की। इच्छा को अपनी बेटी माना, दामिनी को अपने परिवार का हिस्सा बनाया, उसी दामिनी से प्रायश्चित के तौर पर हमने इच्छा के कन्यादान की भेंट भी मांगी, और हमारी अपनी ही बेटी ने हमारे आखिरी प्रायश्चित का अधिकार हमसे छीन लिया। हमारा क्या कसूर था? क्यों नहीं समझ पाए हम अपनी बेटी को? जिस दिन उसने साइकिल तोड़ी, उसी दिन हमें समझ जाना चाहिए था। जिस दिन वो पिकनिक पर इच्छा को छोड़कर चली आई, हमें समझ जाना चाहिए था। हमने उसी दिन गलती कर दी जब हम तपस्या को बोर्डिंग स्कूल से वापस ले आए। अगर उस वक्त वो अपनी गलती की सजा काट लेती, उसे इस बात का एहसास हो जाता कि वो हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। गलती हमारी ही है, हम ही तपस्या की गलतियों पर पर्दा डालते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं। जब जब आपने उसे सजा देनी चाहिए, हमारे आंसू ने आपको रोक लिया। आप माँ हैं, नहीं दिखाई दिया होगा सच, लेकिन आप अपनी बेटी को पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे कर ली हमने? दिव्या, आप हमारी पत्नी हैं, आप हमारी बात समझ सकते हैं। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज के बाद इस घर में तपस्या का जिक्र भी मत कीजिएगा। हम भूल जाना चाहते हैं कि हमारी कोई बेटी थी। माना कि तपस्या से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। वो हमारी बेटी है, उसकी गलती की जिम्मेदारी हमारी है, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। वो वक्त पीछे छूट गया, हम उसकी गलती सुधार सकते थे। हाँ, ये सच है, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी। तपस्या की हर बात कह रही थी कि वो कुछ चाहती, पर समझ नहीं पाए। जब उसने इच्छा की चुनरी ओढ़ी, इच्छा हो गई तैयार तुम? कैसे हो गई हमसे? अब क्या हो सकता है दिव्या? अब तो कुछ नहीं हो सकता। पर अब उसकी शादी हो चुकी है। वीर इच्छा से शादी करने आए थे, तपस्या की शादी शादी है ही नहीं। समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन हम बहुत घबरा रहे हैं। अगर वीर ने उसे अपनाया नहीं तो क्या करेंगे, क्या होगा? और इच्छा, इच्छा का क्या? जो इच्छा का था वो तो हमारी बेटी ने छीन लिया, उसे सजा मिलनी चाहिए दिव्या। इतनी बड़ी सजा? नहीं दिव्या, ये नहीं हो सकता। तपस्या के इस रिश्ते को कम से कम आप और हम स्वीकार नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहिए। अगर इस रिश्ते को हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम खुद अपनी नजरों में और भी छोटे हो जाएंगे दिव्या, और इसका मतलब यही होगा ना, हमारे लिए हमारी बेटी अपनी बेटी होगी और दामिनी की बेटी पराई। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे इस बार सजा मिलनी चाहिए। बड़ी सजा? आपको हो क्या गया है दिव्या? कि बेटी के प्यार ने आपको अंधा कर दिया है। आप अपनी एक बेटी का अधिकार छीनकर
उसका घर उजाड़ कर दूसरी बेटी का घर बसाना चाहती है। इतना बड़ा पाप हमसे हो ही नहीं सकता है। कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं दिव्या, जहां कहीं भी जाए इस सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते। दिव्या हम आपसे विनती करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम यहां रहे, तपस्या की हर निशानी जाए इस घर से हटा दीजिए। आज के बाद इस घर में तपस्या का जिक्र भी मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम यहां रहे, तपस्या की हर निशानी जाए इस घर से हटा दीजिए।